नमस्कार दोस्तों, टी जी के कोर वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा जियो फोन के बारे में। दोस्तों अगर आपको पता हो जियो फोन तो अगस्त में आया था जियो फोन, जिसकी बुकिंग हो गई थी, लाखों लोगों ने बुक किया था जियो फोन को। तो इस वीडियो को आप देखते रहे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा जियो फोन के बारे में। तो मेरा नाम है महेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल गैजेट्स यूज चैनल को, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जियो फोन की बुकिंग बंद हो गई है, अगस्त में इसकी बुकिंग हुई थी, लाखों लोगों ने इसे बुक किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं जियो फोन भी फट चुका है। तो आप देख सकते हैं कश्मीर में चार्जिंग के दौरान ये जो फ़ोन जियो का है वो फट चुका है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ब्लास्ट हुआ है जियो फोन, इसमें बैटरी की प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस जियो फोन के फटने के बाद अभी तक रिलायंस जियो और लाइफ ने कोई भी ऑफिशियल रीज़न अभी तक नहीं बताया है इस जियो फोन फटने के बाद। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो जियो फोन का जो चार्जर आता है उसके साथ जो चार्जर आता है वो भी ब्लास्ट हो गया था। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जियो फोन का जो चार्जर है वो भी ब्लास्ट हो गया था जियो फोन चार्जिंग करने के दौरान। अभी तक इनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ये लोग बोल रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पता चलता है इस जियो फोन फटने के बारे में। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है जियो फोन की जो बैटरी है 2000 mAh वो कैपेसिटी बैटरी की ज़्यादा है। नॉर्मल फ़ोन में आपको 2000 mAh कैपेसिटी वाली बैटरी नहीं मिलेगी, तो शायद जियो फोन की फटने की वजह जो हो सकती है वो 2000 mAh की बैटरी की कैपेसिटी हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो जियो फोन का जो फ़ोन आता है जियो की तरफ से वो भी एक पार्ट है लाइफ के फ़ोन से। आपको पता होगा लाइफ का जो फ़ोन है वाटर वन पिछले साल फट चुका था। और साथ ही साथ दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी J7 स्मार्टफोन है वो भी पिछले वीक में फट गया था एक फ़्लाइट में। जिसका फ़ोन फटा था वो यात्री अपने फ़्लाइट में जा रहे थे न्यू दिल्ली से इंदौर, उस फ्लाइट में सैमसंग गैलेक्सी J7 स्मार्टफोन वो फट गया था। दोस्तों सब कुछ देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि जो भी फ़ोन फटता है उसमें बैटरी की फॉल्ट होती है। तो देखते हैं जियो फोन में क्या प्रॉब्लम है, जियो फोन क्यों फटा है। तो अभी फ़िलहाल जियो फोन का इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो देखते हैं कुछ दिनों बाद जो इसका इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा जियो फोन किस वजह से फटा है। तो कुछ दिनों का वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं जियो फोन फटने का राज क्या है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज़ में लेके आता रहता हूँ आपके लिए। अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए इस जियो फोन के ब्लास्ट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो इस वीडियो के बारे में या फिर जियो फोन के बारे में, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।